माँ किचन कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ किचन कॉर्नर। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन पाई। उसके लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 250 ग्राम चिकन लिया था, उसको सॉल्ट डाल के बॉईल कर लिया। जब चिकन बॉईल हो गई तो उसको मैंने श्रेड कर लिया, ठीक है। उसके साथ हमें चाहिए 3 टेबल स्पून टमेटो पेस्ट, 3 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे कुकिंग के लिए, 1 लार्ज चॉप्ड अनियन है, 1 बेल पेपर, शिमला मिर्च उसको मैंने जुलियन में कट कर लिया है, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, टर्मरिक हल्दी 1 टीस्पून, कुटा हुआ जीरा वो 1 टेबल स्पून है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये चिकन का मसाला हम तैयार करेंगे उसका है। उसके साथ हम लेयरिंग देंगे उसको, बॉइल्ड एग्स है, 3 बॉइल्ड एग किए मैंने, उसको स्लाइस में कट कर लिया। उसमें हम सीजनिंग के लिए मैं उसमें सॉल्ट और क्रश्ड पेपर, फ्रेशली क्रश्ड पेपर डाल देंगे। उसके साथ ये है 3 मैंने बड़े आलू लिए थे, उसको बॉईल कर लिया और उसको मैंने मैश कर लिया है। उसके उसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून बटर, 1 सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, स्पाइसी अच्छा लगता है ना, बस उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम चिकन पाई में सबसे पहले हम चिकन का मसाला की लेयरिंग करेंगे, फिर एग्स बॉयल्ड एग्स होंगे उसमें, फिर पटेटोज होंगे, फिर चीज होगा, और इस तरह से हमारी चिकन पाई रेडी हो जाएगी। ये हमारे बॉइल्ड एंड मैश्ड पटेटो रेडी है। उसके साथ ये गार्निशिंग के लिए हमें चीज है, मोज़रेला चीज चाहिए और चीज स्लाइस, जेडर चीज स्लाइसेस लेंगे हम लोग 3-4, बेल पेपर्स हैं चॉप्ड किए हुए हैं, और एग्स बीट करके डालेंगे, और उसमें ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स होंगे। तो सबसे पहले हम चिकन का मसाला रेडी कर लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। अच्छा, हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, मैं उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो उसमें सबसे पहले हम चॉप्ड अनियन डाल देंगे। बस प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है ताकि उसका खाली कच्चापन निकल जावे, तो उसके बाद हम उसे मसाले डालेंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, इसमें मैं डाल रही हूँ टमेटो पेस्ट 3 टेबल स्पून। इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे। टमेटो पेस्ट और प्याज अच्छे से मिल गया है तो मैं इसमें अभी चिकन ऐड कर लेती हूँ। इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, जीरा, नमक और हल्दी।
फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है। चिकन तो हमारी कुक्ड है, बस मसाले अच्छे से उसको मसाले को भूनना है थोड़ी देर तक, ताकि प्याज और मसाला और चिकन अच्छे से रेडी हो जाए। इसमें जो मैंने डाला था टमाटो पेस्ट, उसी में मैंने हाफ कप पानी डाल के इसको हाफ कप पानी डाल दिया। ताकि बहुत ड्राई ना हो और थोड़ा सा इस तरह से सॉसी लगे। हाँ, दो से तीन मिनट तक इसको भूनना है अच्छे से। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें बेल पेपर्स। एंड में बेल पेपर्स डालते हैं तो क्रंची उसका रहता है ना। चिकन, बेल पेपर्स, मसाले, देखो इसका पानी पूरा ड्राई हो गया ना। इस स्टेज पे अगर आपको मिर्ची, अगर चिली पाउडर आपको कम डालना है, आप कम डाल सकते हो, ज्यादा डाल सकते हो, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये चिकन मसाला तैयार है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर इसके बाद हम उसकी असेंबलिंग करेंगे। चिकन रेडी हो गई है तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ और मैंने ओवन को 200 सेंटीग्रेड पे उसको प्री हीट कर लिया है, क्योंकि इसको हम रेडी करने के बाद उसको डिश को बेक करना है चिकन पाई को। तो सबसे पहले मैं इसको डिश आउट करने के लिए फर्स्ट लेयर जो हमारी होगी वो चिकन की होगी। पूरा अच्छे से इस पर स्प्रेड कर लेंगे, फिर हम इसके बाद पोटैटो की लेयर देंगे। इसके बाद पोटैटो की लेयर देंगे, थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ करके। में हम लोग की पोटैटो की लेयर रेडी हो गई, थिन सी लेयर लगाई है। अब मैं इसमें बॉइल्ड एग्स लगा दूंगी। इसके बाद हम इसमें चीज स्लाइस लगा देंगे और इसके साथ हम मोजरेला चीज भी लगाएंगे। उसके साथ मोजरेला श्रेडेड चीज, और साथ में बेल पेपर्स भी डालेंगे। बेल पेपर्स डालने के बाद हम एक अंडे को बीच करके डालेंगे। सिर्फ एक ही अंडा डालना है, डिश पे डिपेंड है आपकी, अगर बड़ी डिश है तो आप दो अंडे डाल देना। याद रखना है कि ओवन को प्रीहीट करना है, ठीक है। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी ऑरेगनो। चिली फ्लेक्स, और हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जलने का भी डर होता है। ब्रेड क्रम्स अभी मैं, ये डिश रेडी है, मैं इसको ओवन में रखूंगी अराउंड
15 टू 20 मिनट्स, और उसको मैं बीच में एक दफा चेक भी कर लूंगी अंटिल ये चीज मेल्ट हो जाएगा और थोड़ा सा स्लाइटली ब्राउन कलर आ जाएगा। तो मैं इसको ओवन में डाल देती हूँ। ये हमारी चिकन बेक होके तैयार हो गई है। उसको थोड़ा कूल डाउन हो जाए फिर उसके पीसेस कट कर सकते हैं हम। बहुत टेस्टी है, बहुत ही यमी है। नीचे स्पाइसी चिकन है, फिर ऊपर पोटैटो और एग और चीज का माइल्ड फ्लेवर है। आप जरूर बताना मुझे और कमेंट सेक्शन में कमेंट देना मुझे, और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाले हुए हैं, आप उधर से चेक कर सकते हो। और इंशाल्लाह सी यू सून, जल्दी मिलेंगे विद न्यू एक्साइटिंग रेसिपी। बाय।